हमारे पास 7 सेंटेंसेस हैं, 7 सेंटेंस हैं हमारे पास, और इनको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आपको लिखना है। मतलब ये हो गया कि आपके पास में हर सेंटेंस के एंड में एक वर्ब दी हुई है। जैसे ये सेंटेंस है आपके पास टुडे तक, एक मेक दे दिया, फिर इस सेंटेंस के अंदर आपको वॉश दे दिया, इसमें आपको मीट दे दिया, इसमें आपको नॉट कम दे दिया, इसमें आपको बॉयल, इसमें आपको चेंज और इसमें आपको मेक दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है? करना ये, पहली बात तो ये समझो आप कि ये जो वर्ब दी हुई है ये वर्ब अपने मूल रूप के अंदर है, दैट मीन जो इनका रूट फॉर्म है वो हमें दिया गया है, आपको वही रूट फॉर्म दिया जाएगा। अब इस रूट फॉर्म से आपको इसे चेंज करना है, दैट मींस आपको पता करना है कि इसमें ये जो सेंटेंसेस हैं यहां पे कौन से टेंस में ये वर्ब कन्वर्ट होकर के, कौन से टेंस के अंदर ये वर्ब कन्वर्ट होकर के आएगी। क्या कोई प्रेजेंट सिंपल में आएगी, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, या प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, एंड सो ऑन। हम कैसे पहचान करेंगे, देखते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दे एंड डैश, यानी यहां पे आपको फिल करनी है वर्ब को, वेडिंग प्रिपरेशन टुडे। अच्छा, अब आप एक ये नोटिस करो कि इसके अंदर आपको टुडे मिला हुआ है, आपको मिल गया टुडे, और दैट इज इनफ, ये पर्याप्त है। टुडे आपको मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखा जाएगा, यानी मेक को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बन जाए। तो अब आप कैसे लिखोगे इसको, फिल करके बताते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे मेक का मेकिंग आईएनजी फॉर्म होता है, और भी अगर वर्ब है आपके पास, जैसे हमारे पास अगर मान लो वॉश है, तो वॉश का वॉशिंग वो इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। तो हम वॉश की तो खैर बात नहीं कर रहे, मेक की बात कर रहे हैं, तो मेक का मेकिंग आएगा। इतना तो एकदम, अब टुडे ने हमें गेस, टुडे ने हमें इंक्लिशन एक दे दिया है, हमें इंक्लिंग दे दिया है। अब दे के साथ में क्या आएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आएगी नहीं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब की जो सॉरी आईएनजी फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट की इज एम आर होती है। दे क्या लेता है, इज लेता है या एम लेता है, ये आर या आर लेता है, एम तो नहीं लेगा, एम तो आई के लिए एकदम फिक्स कर दिया है। इज आएगा नहीं क्योंकि दे प्लूरल है, बहुवचन में आ जाता है, तो इसका मतलब इज आएगा। तो यहां पे ये हो गया इज और एम ए के आई एन इज मेकिंग, और एकदम करेक्ट है आपका। दे इज मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन, वे वेडिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, मना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है शी और डैश, फिर डिशेस और नाउ, और आपको वर्ब दी है वॉश, यानी वॉश को आपको यहां पे भरना है, जो इसका करेक्ट टेंस है, जो इसकी करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट टेंस है, उसमें भरना है आपको। फिर वही बात, हमारे पास कैसे पता करें, सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर, अगर दो सेंटेंस होते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाता है, हमारे पास सेंटेंस एक ही है, तो अब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें वो इंक्लिंग, वो इशारा लेकर के आना है कि टेंस कौन सा आ सकता है। इसमें दिया हुआ है नाउन,
इसमें दिया हुआ है एन ओ डब्ल्यू नाउ, नाउ दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है, बताओ, अगर नाउ दिया हुआ है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस कौन सा? प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म, वॉश की आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, और उससे पहले आपको इजमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो इजमा लगाना पड़ेगा। अगर पास्ट में होता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता, तो आईएनजी तो लगानी पड़ती, लेकिन उससे पहले वाज वर्ब लगाना पड़ता। लेकिन क्यों यहाँ पे नाउ लिखा है तो ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में आएगा, तो वॉश का वॉशिंग हो जाएगा, और इज एम आर में से शी क्या लेती है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, शी क्या इज लेगी, क्या एम लेगी, क्या आर देगी? चलो एम तो नहीं लेगी, आर लेती नहीं है, आर क्यों नहीं लेगी? आर नहीं लेगी शी, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और नाउन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा इज लेते हैं, तो इसके साथ में इज आएगा। ये हो गया शी इज वॉशिंग, शी इज वॉशिंग डिशेस नाउ, अभी वो डिशेस धो रही है, अभी वो बर्तन धो रही है। यहां देखिए आप यू डैश ऑलरेडी डैश हर एंड देन मीट, ये आपके सेंटेंस मिला है, इसको करेक्ट फॉर्म में भरेंगे, कौन सा टेंस आएगा? पहचान करते हैं, इसकी पहचान है ऑलरेडी से, ऑलरेडी और यट, इनको तो रट ही लो आप, कि ऑलरेडी और रट जो है, ऑलरेडी और यट जो है, ऑलरेडी और यट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं, परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं, और मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं, मोस्टली यानी 80% परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, और हो सकता है 10-15% पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, हो सकता है, क्या मतलब होता ही है। तो अब यहां पे क्योंकि ऑलरेडी मिल गया है, ऑलरेडी मिल गया है, तो इसका मतलब ये आपको परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा प्रेजेंट के। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैट, M-E-T, मैट, और उससे पहले आपको हैज हैव लगाना पड़ेगा, तो यू के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा? यू के साथ में हैव आएगा, आपको बताया था हमने कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और नाउन सिंगुलर के साथ में हैज आता है, बाकी सभी के साथ में हैव आता है। हमारा वीडियो देखना, यू हैव ऑलरेडी मेट, ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, इससे भी एक गेस कर लेना आप, ठीक है। और एक ये यट की और बात बताता हूं, क्योंकि यट आ गया है, सुनना, यहां पे लिखा हुआ है अनु डैश फ्रॉम जयपुर और यट, यट इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यट लिखा जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑलरेडी आता है, तो क्योंकि यहां पे यट आया है तो ये रट लेना, आप ये एकदम ही रट लेना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप मान के चलना कि यट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस में यट आता है, तो यट नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में और प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में आता है। यहां पे हमें नॉट कम दिया हुआ है, यहां पे हमें नॉट कम दिया हुआ है,
तो आप यहाँ पे नेगेटिव बना लेना। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव क्या होगा, अनु के परफेक्ट में आएगा थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैज है। थर्ड फॉर्म कम की तो कम ही होती है, कम केम कम, और नॉट जो है वो हैज या हैव के साथ लगाना पड़ेगा। अब ये देखना है कि हैज या हैव अनु के साथ में हैज या हैव में से कौन सा आएगा। अनु के साथ में हैज आएगा, अनु के साथ में हैज आएगा आपके, अनु हैज, ये नाउन सिंगुलर है, अनु हैज, वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का तो प्लूरल वैसे भी नहीं होता है, तो ये देखने से पता चल रहा है। तो अनु हैज नॉट, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, अनु हैज नॉट कम फ्रॉम जयपुर येट, ये एकदम करेक्ट है। फिर वॉटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज को समझना है, ये अगर हम मान लो प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, सपोज हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं कि वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इससे क्या पता चलता है, इससे लगता है कि शाश्वत, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये शाश्वत सत्य है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखे जाते हैं, तो इसमें हमें कोई इशारे लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इंक्लिंग कोई भी प्रकार का हमें नहीं चाहिए, आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखते। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वाटर, और वाटर के बाद में इसको सिंगुलर मान लेते हैं, तो वाटर बॉयल्स, वाटर जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर भी माने जाते हैं, सिंगुलर की तरह ले लिया, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस फॉर्म कब आती है, एस फॉर्म जब यहाँ पे नाउन को हम सिंगुलर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम सिंगुलर मानते हैं, यहाँ पे सिंगुलर मानते हैं। आगे देखो आप, ही ऑलवेज डैश इज डिस्टेंस, और फिर आगे हमें वर्ब दी है चेंज, इसमें आपके आगे ऑलवेज, ऑलवेज क्या बताता है, ऑलवेज आपको ये बताता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, ऑलवेज का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज करना है। तो ही ऑलवेज, अब चेंज का प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है, लेकिन उसके साथ में एस भी आता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट अगर थर्ड सिंगुलर है ही शी इट और नाउन सिंगुलर तो एस लगा दिया करो, चेंज का चेंजेस कर दिया करो, वरना फिर आप चेंज लिखो फर्स्ट फॉर्म, जो कि मूल रूप और फर्स्ट फॉर्म एक ही चीज होता है, तो जो उसकी रूट फॉर्म होती है, जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, वही उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ही के साथ में चेंज का हो जाएगा चेंजेस, He always changes his decisions. That's all. फिर कुकूर डैश नेस्ट नॉट मेक, अब इसमें कुकू दिया हुआ है, कुकू बर्ड, और अब देखो क्या बना, क्या होता है, अब कुकू बर्ड नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला, चिड़िया है ये कुकू, तो कुकू बर्ड कभी घोंसला नहीं बनाती है, कुकू बर्ड कभी घोंसला नहीं बनाती है, कुकू बर्ड अगर घोंसला बनाती होती, आप ये जान लो कुकू बर्ड इसका नेचर ही ऐसा है, ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कुकू बर्ड कभी घोंसला नहीं बनाती है, अब कुकू बर्ड घोंसला नहीं बनाती है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस मिल गया है। अब क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, अब क्योंकि प्रेजेंट सिंपल आएगा तो आपको इसे क्या लिखना है, यहाँ पे दे दिया इन्होंने एक, इन्होंने पेचीदगी दे दी, यहाँ पे आपको फंसा दिया कि नॉट मेक, यानी कि आपको इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव देखो कैसे बनाओगे आप, कुकूस, तो कुकूस को आप सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे,
तो कुकूज आपके प्लूरल आएगी, इसको प्लूरल मानना पड़ेगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप नॉट नहीं लगा सकते। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, प्लूरल के साथ में डज, प्लूरल नाउन के साथ में, सॉरी डू, प्लूरल नाउन के साथ में डू आता है, इसके बाद में आप नॉट लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख दो। आप एस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट के बाद कभी भी और कोई फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये याद रखना कि डू नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये आपका हो चुका है। तो ये शाश्वत सत्य था, उसके आधार पे किया, ये ऑलवेज के आधार के ऊपर हमने समझा, ये हमने यूनिवर्सल ट्रुथ शाश्वत सत्य के आधार पे, यत ऑलरेडी परफेक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट नाउ टुडे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके आधार पे हमने ये करेक्ट फॉर्म ली। अभी और एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, तो व्यूअर्स, हमारे बच्चों सभी हमारे पास अब कुछ और सेंटेंसेस है जो डिमांड कर रहे हैं कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरी जाए और उनका उनके अंदर जो वर्ब आएगी वो आगे ब्रैकेट के अंदर लिख दी गई है और उन वर्ब से आपको जो उनका जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको भरना है। इसमें देखिए आप, वी यूजुअली एंड डैश एंड वी रेन इन जुलाई और फिर हियर हैव लिखा हुआ है, इसमें आ गया यूजुअली, और यूजुअली का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नेगेटिविटी नॉट आता तो नेगेटिव, और यहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती तो फिर वो इंटरोगेटिव में बनाना पड़ता। तो इस यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आई है, नॉट यहां पे दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में बनेगा यूजुअली हैज बीन। अब हम लिखेंगे हैव का वी के साथ में, यहां पे लिखेंगे हम हैव। अब आप सोचेंगे कि हैव क्या चीज है ये? हैव तो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। ये देखो आप, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, इसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आप इस बात को समझ जाओ, क्या समझ जाओ, कि हेल्पिंग में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू, हम सही ले लेते हैं, बी से, डू से और हैव से, इनसे बनती है। इसके बारे में मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बताया है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला वीडियो देख लेना अगर इसको समझना है। तो मेन वर्ब, ये मेन वर्ब भी होती है। अब आप सोचोगे ये मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, आप सोचोगे कि ये मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, कैसे पता चले हमें क्या डिफरेंस है? बेटा डिफरेंस इनमें टोटल डिफरेंस है, ये डबल रोल में है। डबल रोल का मतलब ये अलग है, इनकी शक्ल मिलती है, इस बी की और इस बी की शक्ल मिलती है, इस डू की और इस डू की शक्ल मिलती है, इस हैव की और इस हैव की शक्ल मिलती है। फिल्मों के अंदर डबल रोल होते थे, पुरानी फिल्मों के अंदर डबल रोल हो जाते हैं, तो एक रोल कुछ और है, वो तो वो पता नहीं क्या काम करता है, और एक रोल जो उसका डबल रोल जो है वो पता नहीं क्या काम करता है। दोनों में सिमिलैरिटी है देखने के अंदर, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। ऐसे ही जो हेल्पिंग वर्ब बी है इसके फंक्शन अलग है, और ये जो बी डू हैव, ये जो है मेन वर्ब, इनके फंक्शन अलग अलग है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर प्रेजेंट वाज वर्ब, डू की डू डस और डिड, हैव का हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव और हैड। ओके,
लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होती है। मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म भी होगी इसकी, इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी, इसकी आईएनजी फॉर्म भी होगी। इसके फंक्शन अलग हो गए, ये चीज ही अलग है। तो बी, बी के साथ में बी की फर्स्ट फॉर्म बी, वाज इसकी सेकंड फॉर्म होती है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे डू, डिड और डन, डू, डिड और डन, हैव, हैड और हैड, ये इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म हो गई। हैव की अलग ही एस फॉर्म, एस फॉर्म तो खैर इनकी नहीं बनती है, मेन वर्ब मेन में यही रूप में आ जाती है, वो रहते हैं। ये इंग्लिश की कुछ टेक्निक ऐसी है अंग्रेजी, तो इसमें ज्यादा जानना मत, ज्यादा ज्यादा गहरा जाने से आप अपना दिमाग खराब करोगे। बस इतना जो मैंने बताया एक बार इतना ही याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है लेकिन इनका एक रूप, इनका डबल रोल है जो कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के रूप में भी इनका डबल रोल है। तो वो उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है और आईएनजी फॉर्म भी होता है, एस फॉर्म तो नहीं होता है इनका। तो अब यहाँ पे जो है हमने लिया है ये मूल, ये मेन वर्ब है, ये वी हैव रेन इन जुलाई, वी के साथ में हैव आएगा, वी के साथ में हैव आएगा, वी के साथ में हैज नहीं आता है। वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई, और ये आपका हो चुका है। आगे आप इसको देखो, शी डैश ऑलरेडी डैश द बेल ट्वाइस और रिंग, यहाँ पे रिंग आए, तो टेंस कौन सा आएगा इसमें, कौन सा करेक्ट टेंस आएगा, ऑलरेडी आया ना, ऑलरेडी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नॉट नहीं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब इसकी थर्ड फॉर्म लिखो और हैव में से कोई एक लिखो, शी के साथ जाएगा, मैं लिख देता हूं हैज, और यहां पे रिंग, रेंग और रंग, आर यू एन जी, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। फिर है द रेडियो डैश सीन्स 7 AM, इसमें बताओ क्या आएगा। कमेंट बॉक्स अगर आप लोग चलाते हो तो इसमें लिख के दिखाओ, थोड़ा कमेंट किया करो, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। सीन्स और सीन्स के बाद में अगर टाइम दिया हुआ है, सीन्स के बाद में अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो है परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट है तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, तो हैव बीन आईएनजी फॉर्म, हैज बीन आईएनजी फॉर्म, और अगर पास्ट में है तो हैड बीन आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर की अगर हम बात करें कि फ्यूचर में होगा, तो सीन 7 AM, अब द रेडियो, अब इसमें पास्ट का तो कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मैं कि कुछ पास्ट, पास्ट में नहीं जा रहा, तो आप प्रेजेंट में ही लिख दो, प्रेजेंट में जाने बड़े सिंपल माने जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इसको आप प्रेजेंट में ही लिख दो, तो प्रेजेंट का में आ जाएगा प्ले का रेडियो सिंगुलर, द रेडियो सिंगुलर है, ये हो जाएगा हैज और बीन, और हैज बीन और प्ले का प्लेइंग, द रेडियो हैज बीन प्लेइंग सिंस 7 AM, ये हो गया आपका। अब यहां पे देखो आप, दे डैश द ब्रिज फॉर द लास्ट 1 ईयर, और यहां पे मेक है। अब इसमें आप नोट करो फॉर द लास्ट 1 ईयर, इसमें तो आपने सिंस, इसमें फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो ये जो फॉर है इसमें सिंस था, फॉर क्या बताता है, फॉर ये बता रहा है आपको, फॉर ये कह रहा है कि भैया ज्यादा सोचो मत, फॉर के बाद में क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, ये कह रहा है मेरे बाद में पीरियड ऑफ टाइम है और ज्यादा सोचो मत, आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लिख दो, और
सेंटेंस को देखने के बाद किसी तरह से लगता नहीं है ये पास्ट में जा रहा है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की ही बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर दो, नॉट लगा हुआ, ये तो नेगेटिव नहीं होगा और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये, या डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये आपके इंटरोगेटिव नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव ही बनेगा। ये सारी चीज आप ढंग से चेक करके फिर करो। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, दे के साथ में इसमें हैज बीन और हैव बीन, दे के साथ क्या आता है, क्या आएगा कलर, तो चौक ऐसे ही थमा लिए, दे हैव बीन, ठीक है, और मेक का मेकिंग, They have been making the bridge. वैसे बिल्ड आना चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं। They have been making the bridge for the last one year. पिछले एक सालों से वो ब्रिज को बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। That इसमें यहाँ पे देखो trees dash rains. ये तो सीधा सा सेंटेंस दे दिया, कोई हमें हमारे पास में कुछ और बात बताई नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप देखा करो कि क्या ये कहीं शाश्वत सत्य तो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। पेड़ बरसात को अट्रैक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं भाई, ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसको आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर कर दो और वो पॉजिटिव नेगेटिव वो चेक कर लिया करो। अगर नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव में कर दिया करो। अगर नॉट नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया ऐसे, या जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, और वैसे तो वो हेल्पिंग वर्ब देंगे नहीं क्योंकि उससे फिर आपको तो पूरा पूरा ही पता चल जाएगा। जनरली अगर वो हेल्पिंग वर्ब दे देंगे उससे तो फिर आपको जरूरत ही किसी और चीज़ की, हेल्पिंग वर्ब से पता चल गया क्या आएगा जनरली। तो यहाँ पे ट्रीज दिया हुआ है, ट्रैक्ट ट्रीज के साथ में क्या आएगा, ट्रीज हम कलर सही बनेंगे, ट्रीज अट्रैक्ट, ये प्लूरल, इसको प्लूरल माना गया है, आप प्लूरल ही मानो, आप इसे आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा लगाया हुआ है क्योंकि आप स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर बेसिक्स सिखाई जाती है, कॉलेज में थोड़ा सा दिमाग को कल्पना के अंदर दिया जाता है, ऐसी स्टडी होती है, स्टडी का जो जो है वो स्टडी का पैटर्न, यानी स्टडी का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप स्कूल्स के अंदर तो अपनी बेसिक्स क्लियर कर लो 12th क्लास तक, और कॉलेजेस के अंदर थोड़ा सा आप अपनी माइंड को ओपन होकर के आप लिखना शुरू करो ताकि वो विस्तार से लिखना शुरू करें, जैसे भी आप सबके अपने ये है ये मतलब बात मिल रही। तो यहाँ पे आप बिना घबराए हुए आपको आप यहाँ पे अट्रैक्ट, आप यहाँ पे बिना घबराए हुए इसको प्लूरल मान करके अट्रैक्ट लिख दो। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसके साथ में नाउन, ये बिना एस फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा यहाँ देखो बी खाली स्थान, अबाउट इट सीन्स 2 o'clock, इसने सीन्स कह दिया है, सीन्स के बाद में पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, सीधी सी बात है। वी ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा और डिस्कस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वी के में हैव आएगा, कलर हम हैव बीन और डिस्कसिंग DISCUSSING, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सिंस 2 o'clock, 2 बजे से हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वी खाली स्थान क्रिकेट एट दिस मोमेंट, अब यहां देखो आप एट दिस मोमेंट आया है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी और इससे पहले इज एम आर लगाना पड़ेगा, वी में आर आएगा तो वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग क्रिकेट, ये वॉचिंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट, हम क्रिकेट अभी क्रिकेट देख रहे हैं इस समय, इस मोमेंट में क्रिकेट देख, इसको देखो आप
इसने दिया हुआ है लिसन। लिसन ये बात बता रहा है कि सुनो, संबंध खालिस्तान टू ओपन द गेट। तो लिसन का मतलब अभी ये बोला जा रहा है, जब ये आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे ये बोला जा रहा है, ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा। तो लिसन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका मतलब ये हो गया कि अभी बोला जा रहा है। अब क्योंकि अभी ये काम हो रहा है बोलने का काम, तो वो कॉन्टिन्यूस में हो गया, तो ये इसको आपको कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो लिसन समवन, और फिर बाद में ट्राई है, तो समवन के साथ समवन को सिंगुलर माना जाता है। तो समवन इज ट्राइंग, टी आर वाई, फिर आई एम जी, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट। मेरे ख्याल से व्यूअर्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप लाइक करना और वीडियो को और हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। हम रियल में आप मान के चलो हम बहुत अच्छे आपकी वीडियोस देकर के आएंगे। अभी फिलहाल कुछ ऐसी आपको पता है समय की बातें हैं, कई बार वीडियो बनाने के लिए और भी काम, कुछ और भी काम रहते हैं और कुछ सोशल वर्क भी रहते हैं और भी काम रहते हैं, शादी ब्याह चल रहे हैं तो शादी ब्याह के अंदर भी जाना पड़ता है, कोई और भी काम हो जाते हैं और ये भी होती है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। तो खैर जो भी है, जो भी कारण है, हम वीडियो रेगुलर बनाते रहेंगे, आप इसका विश्वास रखना, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी, अभी तो खैर एग्जाम के कारण हम लोग ये लेकर के आए, बाकी हम लोग बेसिक्स लेकर के आएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को वीडियोज़ अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, वीडियोज़ की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आ पा रही थी, और इसी कारण से हम लोग थोड़ा सा परेशान थे। लेकिन अब कोशिश हमारी है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी बने, देखते हैं आज का वीडियो अगर अच्छा बना है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया है। और आप इसको आप लोग अब और अपने पेपर के ऊपर पूरा ध्यान दें, मेहनत करें, आपकी सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं। प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखें और दूसरों को भी, आप लोग अच्छा दूसरों को भी बताइए। आप ये देखो भला करने का काम जो है, हम इस दुनिया में आए हैं भले करने के लिए, ये बात को ध्यान रखो आप। और हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मिस इन्फॉर्मेशन हम देते नहीं, और हम ये नहीं कहते कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे खराब हैं, सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, हम हमारा अपना काम कर रहे हैं। खैर तो नमस्कार, थैंक यू।